आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री की आवाज पर एनडीए की बैठक होगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की आवाज पर पहुंच गए हैं। खबर यह है कि बैठक से पहले सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। और खबर है कि बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, बातचीत की है। तो आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही पत्रकारों के सवाल का जवाब मुख्यमंत्री देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार तो बननी तय है, तो कई इशारे एक साथ। और आप देख पा रहे हैं कि आज ही एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू की भी मुलाकात होनी है। दोनों ही नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार ने मुलाकात भी की है। सहयोग करेंगे और हम तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ जो फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं इसमें चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति नजर आएंगी। लेकिन एयरपोर्ट पर जब नीतीश कुमार पहुंचे तो देखिए उनसे जाने की जो उत्सुकता थी कि क्या सवाल का जवाब देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा सरकार बननी तय है। तो प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक और एनडीए नेता आज ही समर्थन पत्र दे सकते हैं और उसके बाद सरकार कैसे बनेगी, फॉर्मूला कैसे तय होगा, क्या डिमांड होगी, इन सभी बातों को आधार मानते हुए एनडीए की सरकार आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आज बहुत अहम दिन है और इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उसमें यह है कि दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा एनडीए की सरकार बननी तय है और सभी दलों के नेताओं का महाजुटान भी होने वाला है। तो पीएम आवास पर एनडीए की बैठक होनी है शाम के 6 बजे। अभितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभितेश, बहुत अहम बैठक होने जा रही है, खबर है कि प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है। यहाँ बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दल के सभी नेता पहुंचे हैं। खास तौर से जिन जिन पार्टी के सांसदों ने विजय हासिल की है वो सभी नेता यहाँ पहुंचे हैं। बिहार से अगर बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी यहाँ पर पहुंचे हैं चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद। तो निश्चित रूप से बड़ी बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि आगे किस तरह से हमें संसदीय दल की बैठक बुलानी है, उसके बाद किस तरह से राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के वहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करना है और बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस फिर से संसदीय दल का नेता चुना गया है। तो ये बैठक 7 जून को होनी है जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन आज की बैठक में तमाम चीजों पर मोहर लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत जो भी घटक दल के नेता हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, एकनाथ शिंदे हो, उनकी पार्टी के लोग सभी एक साथ एक मंच पर आकर के यूनिटी दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है। इंडिया अलायंस का जो दावा है और जो डोरे लग डालने की कोशिश हो रही है, इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बहाने उसकी हवा निकालने की कोशिश होगी। आज की मीटिंग का संदेश यही होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए अमितेश। तो आज की बैठक बेहद ही अहम है और बैठक की हर अपडेट हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की अहम बैठक होने वाली है, उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं। तो आज एनडीए और एनडीए अलायंस दोनों की बैठक हो रही है और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में नजर आए जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फ्लाइट के भीतर की दो तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आगे पीछे नजर आए, यानी कि अगली सीट पर नीतीश कुमार थे, पिछली वाली सीट पर तेजस्वी यादव थे। दूसरी तस्वीर जब देखिएगा तो दोनों ही नेता एक साथ बैठे नजर आए हैं। ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।
तो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश तब तक विकसित नहीं होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी बिहार के विकास में बाधक है। दिल्ली में आज कैबिनेट का बैठक है और उसके बाद से चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। किस तरह की उम्मीदें रहेंगी जो नई सरकार है, जाहिर है कि बिहार के भी उम्मीदें बहुत रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक अधूरा रहेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार विकसित बनाने के लिए लोगों को विकारों से मुक्त करना होगा, अपराध भ्रष्टाचार के वातावरण से बिहार को बाहर लाना होगा, ये परिवारवादी जमींदारी समाप्त करनी होगी, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा विकास को लूटने वाले की प्रवृत्ति की मानसिकता बिहार के विकास की गति को ठहरा देता है, और ये राजद का जो कल्चर है, राजद की जो मानसिकता है, वो बिहार के विकास में बड़ा बाधक बन जाता है। तो बिहार के अंदर ये माहौल को बनाना एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। कल प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग हैं पूरे देश में, उनके ऊपर बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोग घुन की तरह राष्ट्र को कमजोर करते हैं, समाज के अंदर पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बनाते हैं, और ये सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी स्तर पर एक भ्रम का माहौल खड़ा करते हैं, एक नेगेटिव निगेटिव सेट करते हैं, और ये माहौल बनाते हैं कि जो जुनून काम कर रहा है, बरबोलेपन के शिकार लोगों के माध्यम से ये हवा बना करके और सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं। आज एक तस्वीरें में कुछ वायरल हो रही है ट्विटर पे, हम देख रहे थे एक्स पे, कि उसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं और साथ में तेजस्वी यादव बैठे हैं, आसपास बैठे हुए, और उसको रीट्वीट भी किया गया उस पे, और अलग अलग तरह की बातें हो रही है, चर्चा बहुत हो रहा है। देखिये, ये लोग एक भावकाल बनाते हैं, माता पिता इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी अकूत संपत्ति कमाकर दे दिए हैं कि ये पूरा माहौल खड़ा करते हैं, और हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेकर सत्ता पर पहुंचे। जो कैबिनेट विस्तार होगा, बहुत चर्चाएं भी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार से कितने लोग जाएंगे, जदयू है, एलजेपी है, अलग अलग जो पार्टियां, मतलब जो भी एनडीए का हिस्सा है, तो बिहार की उम्मीदें तो जाहिर तौर पर काफी होंगी यहां से। देखिये, हमारा सक्षम नेतृत्व सभी राज्य का, सबका साथ सबका विकास की जो उनका मंत्र है, उस हिसाब से सबको अवसर देते हैं और सबको लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व मिलकर निर्णय लेते हैं, वह निर्णय लोग स्वीकारता नहीं है, स्वागत करता है, और इस बार भी बेहतर निर्णय होगा। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जन्मदिन है तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वस्थ रहें, तरक्की करें। तो ये थे विजय सिन्हा जी, बता रहे थे कि बिहार की क्या उम्मीदें रहेंगी इस कैबिनेट विस्तार में। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे जीतन राम मांझी, और एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है उनके साथ, और लेकिन उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही हम लोगों के नेता हैं, हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ हैं। नीतीश को इंडिया से ऑफर पर उन्होंने निशाना साधा है, कहा है कि कौन किसको क्या कर रहा है, उस मानसिकता के बारे में हम क्या कहेंगे। चाचा भतीजा के साथ फ्लाइट में आने पर भी उन्होंने कहा कि ये अटकलबाजी की बात है। जेडीयू के लोग भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर चुके हैं, मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, वो जाने। हम सेकुलर के संरक्षक और गया से नव निर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी से, सर आप गया से जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, आज एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हैं, क्या एजेंडा रहने वाला है आज की बैठक का? सबसे पहले तो हम बिहार की जनता और गया की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामना और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और रही बात, हमको आज यहाँ बैठक की कोई सूचना नहीं थी, अभी आते आते हाथ लगी है सूचना,
कि 3:30 बजे वहाँ बुलाए गए हैं। वैसी परिस्थिति में हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम लोगों का जो फिक्स्ड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हम लोग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों के नेता होंगे। और जहां तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोग हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। साथ कांग्रेस दौरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर, अब कौन का कर रहा है उसकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कर सकते। आज एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी आए, चाचा भतीजा एक साथ बैठे हुए थे, उसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। अटकलबाजी आप लोगों की बात है, वो कोई भी आदमी एक फ्लाइट में एक बस में जा सकते हैं, उसमें कोई इसके लिए नहीं है। उन लोगों का भी समर्थन की घोषणा हो चुकी है जदयू के लोगों की। जीतनराम मांझी मंत्री बनेंगे मोदी मंत्रिमंडल में, अभी हम नहीं कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का प्रोग्रेटिव है, वो क्या करेंगे वो जाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतनराम मांझी, कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और आयुक्त अभरूड़ी ने कहा है कि नीतीश कुमार पर भरोसा है, 5 साल तक सरकार में देंगे साथ। उन्होंने कहा कि लालू जी के परिवार की शायद ही कोई बचा हो हराने से। प्रोड़ी जो सारण की सीट जीत करके अपने आवास दिल्ली आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम देखें सारण की जीत को, देखें कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर? देखिए, जीत तो हमेशा बड़ी ही मानी जाती है, और खास करके वैसे परिस्थिति में जब तिवारा आप जीत के आए हैं तो कठिन तो होता ही है, लेकिन लोगों की बड़ी आस्था रहती है। और एक बार फिर से छपड़ा की जनता ने मुझे तीसरी बार बिहार की सेवा के लिए, छपड़ा की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ा, और इसका क्रेडिट पूरे तौर से एनडीए के कार्यकर्ता, वहां के लोग, हमारे मित्र और सब लोगों को जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तो मैं पूरे छपड़ा का सांसद हूं, जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी सांसद हूं। तो यही मैं अपील करना चाहूंगा कि अच्छा वातावरण बना रहे और हम लोग बिहार और देश के विकास में लगे रहें। सर, आप जो है 2014 में जब जीते थे तो राबड़ी देवी के खिलाफ जीते थे, आज इस बार जब 2024 में जब जीते हैं तो उनकी बेटी के खिलाफ जीते हैं। अब इस पर कोई खास बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब शायद एक आधी आदमी उनके परिवार में बचे हुए हैं जिनसे लड़ना बाकी है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर सर हम बात करें सर, जिस तरह से सरकार बनाने की बात करें सर, नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी है, और नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों की बड़ी आस्था है, और इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। हम लोग जानते हैं और हम लोगों की बड़ी आस्था उनमें है, और उनका नेतृत्व आज भी बहुत सबल मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, और तस्वीरों को हम दिखाएंगे आपको। और ये तस्वीरें हैं उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, और ये तस्वीरें इन दोनों की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। इंडिया अलायंस चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश को साधने की कोशिश कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करने के सवाल पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, जब इंडिया अलायंस की बैठक में कोई फैसला होगा तभी बात करूंगा, फिलहाल उनसे बात नहीं की है। चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे? अगर ये रूसी में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे, अभी हमने भर्ती नहीं की तो कहीं के लिए किसी का नाम नहीं है। मीसा भारती ने जीत के बाद अपना सर्टिफिकेट अपने पिता लालू प्रसाद को दिखाया। पिता और बेटी की ये तस्वीर मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जीत के बाद मीसा भारती उस सर्टिफिकेट को लेकर पहुंची। लालू प्रसाद बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उन्हें सर्टिफिकेट दिखाया और ये सोशल मीडिया पर मीसा भारती ने डाला है। एनडीए की जीत के बाद से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। सरकार बनाने में जेडीयू को बेहद अहम जेडीयू की भूमिका मानी जा रही है, और जेडीयू के मुताबिक केंद्र में ऐसी सरकार बने जो बिहार के विकास में मदद करे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एनडीए को बहुमत मिल गई है और अब सरकार बनाने की कवायद भी शुरू होगी, जिसमें जेडीयू की प्रमुख भूमिका होने वाली है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद है। उमेश जी, अब तय हो गया कि एनडीए को बहुमत मिल गया है और अब सरकार भी बनने वाली है, कैसी सरकार चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले पूरे देश और बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है,
ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए बहुत बहुत मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। जो जनता ने जो जनादेश दिया है, तो जनता के जनादेश को हम लोग स्वागत करते हैं और पूरे बेहतर ढंग से जो है केंद्र में एनडीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार, बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है सरकार, उनको भी ताकत मिल रही है। और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार गठन होगी नई सरकार का, हमें पूरा विश्वास है कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेगी। तो बिहार के लिए क्या कुछ चाहते हैं, चूंकि जेडीयू भी उस मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है, बिहार के लिए क्या चाहेंगे? बिहार के लिए जो बिहार के विकास में जो है और भी बेहतर ढंग से और तेजी से बिहार विकास करेगा। डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो डबल इंजन के सरकार का कितना फायदा बिहार को मिले, इसके लिए भी कुछ आप लोगों ने बनाया? एकदम मैंने तो कहा कि जनता की जो भी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, सब पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। तो जेडीयू भी एनडीए के साथ मजबूती से, पूरे मजबूती के साथ हम लोग चट्टानी एकता के साथ हम लोग खड़ा है एनडीए के साथ। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब आपको राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। सारण से नवनिर्वाचित सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी फ्लाइट में पायलट की यूनिफॉर्म में नजर आए और इस दौरान उन्होंने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा, कहा कि यह हार लालू प्रसाद की हार है। तभी उस फ्लाइट में बैठे मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस समय से पहले लैंडिंग करा दीजिएगा। आप एक जाइंट किलर के रूप में इमर्ज किए लालू जी, इनफैक्ट लालू जी को हराया न कि रोहिणी आचार्य को, आप किस रूप में ले रहे हैं इसको? जीत जीती है और मैं समझता हूँ कि अभी जरा ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए, लैंडिंग भी अच्छी करनी है, इसलिए राजनीतिक टेक ऑफ अच्छा रहा है, लैंडिंग भी अच्छा रहा है, आगे भी। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।